मैं आपके साथ हूं आचार्य शिवानंद। प्रत्येक मानव का भविष्य और जीवन की मूल घटनाएं 12 राशि 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों पर ही आधारित है। इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है। क्या राजा, क्या रंग, क्या मंत्री, क्या छंत्री। दर्शकों, आप सभी को याद होगा आज तक जो भी मैंने भविष्यवाणी की है, चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बात करूं, वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करूं, 2011 का वर्ल्ड कप का बात करूं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री के चुनाव राजनीतिक भविष्यवाणी की बात करूं, ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है। आप हमारे वेबसाइट पर जाएं www.astroshivanand.com और सारी न्यूज आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये मेरी कोई महानता नहीं है, ये मेरा ईमानदारी है, मेरी मेहनत है और सबसे बढ़कर के है वो माता रानी का आशीर्वाद। ज्योतिष बहुत ही सूक्ष्म शब्द है। ज्योतिष, आखिर ज्योतिष नाम क्यों पड़ा, मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण देने का प्रयास करूं। ज्योति ज्योतिष, ज्योति मतलब लाइट, प्रकाश, और इस मतलब ईश्वर। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आज हमारे भारतवर्ष में लगभग 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर है और जब तक ज्योतिषों पर ईश्वरीय प्रकाश नहीं आ जाता तब तो वो ज्योतिष सफल नहीं हो सकता। मैं आपसे ये कतई नहीं कहता कि मैं बहुत जानता हूं, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद से जितना भी जानता हूं वो बिल्कुल ठोस जानता हूं। और आज पूरे भारत देश में आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। आने वाले चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब। ये 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें से जो सबसे अति महत्वपूर्ण है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों, कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केंद्र की भविष्यवाणी तक निर्भर करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सांसद हैं, सांसद सीट, और 403 विधायक का क्षेत्र है, विधानसभा है। तो लोगों की दृष्टि जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है और प्रायः लोग हमें फोन से पूछते हैं कि आचार्य जी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। मैंने जस्ट अभी कहा है कि प्रत्येक मानव का भविष्य और जीवन की मूल घटनाएं 12 राशि 9 ग्रह 27 नक्षत्रों पर आधारित है। इससे कोई अछूता रह ही नहीं सकता है। और मैं बता दूं, ये व्यक्ति के भविष्य तक निर्भर नहीं है, इससे हम देश की, राज्य की, आने वाली आपदाओं की हर चीज का गणना करते हैं कि कहां क्या हो रखा है। ये आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जो फरवरी में प्रारंभ होने वाला है, इसमें 2 मुख्य दावेदार हैं। एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पे लगी है, और दूसरे प्रतिद्वंदी हैं भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है पूरे जोर शोर। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं पुनः सत्ता में आऊं, लेकिन चाहते तो हैं हम बहुत कुछ, जब तक ग्रह आपको देना नहीं चाहेगा व्यक्ति के नशीब में हो नहीं सकता। तो आज हम आपके साथ गणना करने जा रहे हैं दर्शकों कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन होंगे मुख्यमंत्री। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्री अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी का जन्म जो है 1 जुलाई 1973 को दिन में 12 बजे लखनऊ में हुआ था। इस आधार पर यदि हम कुंडली देखते हैं तो कन्या लग्न की कुंडली हो रही है, मिथुन राशि हो रहा है। अब दर्शकों देखिए, लग्न का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कैसे पड़ता है। हमारे इसमें से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं और ज्योतिष धीरे धीरे सीखने का प्रयास भी करते हैं। अक्सर देखेंगे आप कि कन्या लग्न का व्यक्ति बहुत कम बोलता है, मैंने भी देखा है। आज तक मैंने 20,700 कुंडली बना रखा है दर्शकों, और यदि मैंने 20,700 बनाया है तो कितनी कुंडली मेरे साथ से निकल गई। तो कन्या लग्न के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अधिकतर कम बोलते हैं, अपनी वाणी को रिजर्व रखते, साथ साथ उनकी वाणी में शालीनता होती है। आप देख लीजिए, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। आज तक मैंने जितना भी अखिलेश जी का मैंने भाषण देखा है, चाहे वो टीवी के माध्यम पे हो या डायरेक्ट, वो किसी पे गुस्सा होकर बोलते हैं ना, तब भी लगेगा कि मुस्कुरा के बोलते हैं। ये कन्या लग्न का प्रभाव है। अब सवाल उठता है कि 2017 में अखिलेश जी को सत्ता क्यों गंवाना पड़ा।
तो कन्या लग्न की कुंडली में दशम भाव सत्ता सुख और करियर हम जब भी देखते हैं दशम भाव से। दशम भाव में नीच का केतु, सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ बैठ रखे हैं। सीधा सा फॉर्मूला है, हर कुंडली में कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। जब अशुभ ग्रहों की दशा आएगी तो अशुभ फल देगा, जब शुभ ग्रहों की दशा आएगी तो शुभ फल देगा। और जैसे जैसे मान ली गुरु की दशा आई तो गुरु क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते, सक्रिय हो जाते। जैसे केतु का दशा आया, केतु क्या होता, सक्रिय हो जाता। 13 फरवरी 2017 से अखिलेश जी की जो दशा है कुंडली में वो केतु दशा प्रारंभ हो गई। और कहते हैं केत छोरावे खेत, केतु क्या करता है, फंसा फंसा काम को निकाल देता है। कब, जब केतु मजबूत रहे तब। तो इनकी कुंडली में क्या है, केतु खुद नीच का बैठा हुआ है। तो जब कोई भी ग्रह नीच का बैठेगा तो क्या करेगा, वो नीच का ही फल देगा। और केतु कहां पर है, सूर्य चंद्रमा शनि के साथ। अब चंद्र शनि का एक बन गया विषदोष। अब केतु जिसके जिसके साथ बैठेगा, केतु राहु का प्रभाव होता है, ये गुण है उसका कि केतु राहु जिसके साथ बैठता है उसका गुण को लेता है वो। तो जैसे केतु ने नीच का हुआ प्रारंभ हुआ, ये सूर्य को, चंद्रमा को, शनि को, सभी को डिस्ट्रॉयड किया है। और साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे ही 17 फरवरी से केतु की दशा शुरू हुई, केतु नीच का था और सबसे पहले क्या किया इसने, दशम भाव से क्या देखते हैं दर्शकों, सत्ता शोक। दशम भाव से क्या देखते हैं, पिता का शोक। और केतु ने क्या किया, राजा दशरथ और राम ऐसे पिता पुत्र के प्रेम को क्या किया, बिल्कुल कटुता में बदल दिया। और क्या हो गया, ग्रहों ने ऐसी मति फेरी अखिलेश जी को कि पिता के विरोध में वो चले गए चुनाव आयोग और धरना पर बैठ गए। परिणाम क्या निकला, केतु ने ऐसा ऐसा राज रचा, ऐसा खेल किया कि वो तो गया ही, साथ साथ अखिलेश यादव जी 2017 के चुनाव में हारे ही नहीं, बिल्कुल सिमट के रह गए, जिसे जमानत जब्त की बात कर सकते हैं। जहां 403 सीट मिला, कितना इनको, सिर्फ 48 सीट, बिल्कुल सिमट गए। ये केतु ने अपना प्रभाव दिखा दिया। हम अब बात करते हैं वर्तमान दशा की, जो बीत गई वो बात गई, अब आने वाला क्या होगा अखिलेश जी का। तो आने वाला जो समय है भी वो इनके 23 फरवरी 2022 तक जो चुनाव होने वाले हैं, 23 फरवरी 2022 तक, और खास करके 5 जून 2021 से इनकी दशा शुरू हो गई है केतु में गुरु की। अब एक ऐसा महासंजोग है दर्शकों, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला है, आप भी देख सकते हैं, इनकी कुंडली में केतु भी नीच का 10th हाउस में और गुरु भी नीच का 5th हाउस में। तो जब नीच ग्रहों का फल आएगा तो क्या करेगा, नीच का काम दिखाएगा। तो गुरु भी कर्क राशि में नीच के हैं और केतु भी धनु राशि में, मिथुन राशि में नीच के हैं। तो परिस्थिति क्या निकला कि केतु में और गुरु में एक 6-8 का संबंध बना। जब एक ग्रह पंचम भाव में हो, एक ग्रह दशम भाव में हो, इसे कहते हैं षष्ठाष्टक योग। ये षष्ठाष्टक योग होने के कारण से दो ग्रह निगेटिव तो है ही, माइनस तो है ही, और इनकी स्थिति को वो खराब कर रहा है। और हम आते हैं एक योगनी दशा में। योगनी दशा में भी इनको 25 मार्च 2022 तक वो चल रहा है सिद्धा में भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब क्या होता है, सिद्धा क्या करेगा, काम सिद्ध करवाएगा। भ्रामरी क्या करेगा, भ्रमण करवा देगा, कहेगा जाओ। तो सिद्धा क्या करेगा, इनको सिद्धा करेगा कि इनके सीटें बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। लेकिन जो इनकी केतु में गुरु की दशा है और जो योगनी की दशा है, वो कहीं से भी ज्योतिषीय आकलन में अखिलेश जी को 2022 के चुनाव में सत्ता में आना कोसों मील पैदल चलने वाली बात साबित होगी, ये ग्रहों के अनुसार। अब हम आते हैं जोगी जी की कुंडली के बारे में कि जोगी जी कुंडली क्या कह रहा है। जोगी जी का जन्म 5 जून 1972 की है, 5 जून 1972, समय दोपहर 12 बजे, और इनका जन्म स्थान है गढ़वाल। और इस डेट ऑफ बर्थ टाइम से इनकी जो कुंडली बन रखी है वो कुंडली बन रही है सिंह लग्न की और कुंभ राशि की। सिंह को क्या कहते हैं, सिंह इज द किंग। जितने भी व्यक्ति सिंह लग्न के होते हैं आपको बिल्कुल शेर दिल मिलेंगे, वो किसी से झुकना नहीं जानते। और आप सभी जोगी जी के स्वभाव से परिचित होंगे, जब वे विश्व हिंदू परिषद के नेता थे तब भी, और जब इन्होंने एमपी का भाग लिया तब भी बिल्कुल शेर दिल। और दर्शकों आपको याद होगा अच्छी तरह से, जब 2017 में इन्होंने शपथ लिया था तो शपथ के मंच से इन्होंने स्पष्ट कहा था
कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों, यदि आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो आप सावधान हो जाओ, संभल जाओ, अन्यथा उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओ। जो भी करते हैं जोगी जी वो बोल के किया। वो कौन करवाया? सिंह लग्न ने करवाया। अब संजोग देखिए, एक तरफ अखिलेश जी की कुंडली है, उनका भी केतु में गुरु चल रहा है, और क्या संजोग है कि जोगी जी की कुंडली में भी केतु में ही गुरु चल रहा है। फर्क क्या हो रहा है? फर्क हो रहा है अखिलेश जी की कुंडली में केतु नीच का, गुरु नीच का, और जोगी जी की कुंडली में केतु द्वादश भाव में बैठा हुआ है, कर्क राशि में। और द्वादश भाव का केतु जो होता है ना, वो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और इनको 12 फरवरी 2017 से केतु दशा स्टार्ट हुई थी, जो 12 फरवरी 2024 तक रहेगा। परिस्थिति क्या निकला? परिस्थिति निकला कि एक तो केतु क्या किया, मोक्ष की प्राप्ति करवाया, तो जोगी जी को क्या किया, फरवरी 17 में उठा करके मुख्यमंत्री पद पर आसीन करा दिया। वर्तमान समय क्या जा रहा है? केतु में गुरु का, और इनकी कुंडली में गुरु जो है मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु जो है, गुरु का 3 फल मिलता है। कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च के होते हैं, धनु राशि में 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण के होते हैं, और 12 नंबर में केतु अपने घर में होते हैं। तो इनके गुरु जो है मूल त्रिकोण में, तो मूल त्रिकोण में जब गुरु रहेंगे तो दिव्य गुरु बृहस्पति, क्या कहना, गुरु की दृष्टि जहां पड़ गई शुभ ही शुभ होना होगा। लेकिन कब? जब गुरु अच्छे हो। इनके गुरु कहा मूल त्रिकोण में, और जब कोई गुरु ही दारू पीने लगे, गुरु ही गलत काम करने लगे, फिर गुरु तो कहां रह गया? तो ये दुर्घटना आ रही है इनकी केतु में गुरु की दशा, और योगनी दशा की ओर आते हैं। योगनी में इनका स्टार्ट हो रखा है सिद्धा की दशा, तो सिद्धा क्या काम करेगा, हर काम को सिद्ध कराएगा, और सिद्धा में सिद्धा चल रहा है। हम प्रतंत्र की बात करते तो प्रतंत्र भी सिद्धा चल रहा है। तो हम हर हाल में अपनी ज्योति से गणना, और मेरा जो कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट कहता है कि आने वाला समय में पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और योगी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। ये ग्रहों की जो गणना हो रखी है। दर्शकों, शायद आपको आश्चर्य लगता होगा कि शिवानंद के हाथ में न तो कंप्यूटर है, न तो पंचांग है, आखिर बोल कैसे रहे? मैं आपको विश्वास दिलाऊं दर्शकों, माता रानी ने 100 वर्ष की कुंडली मेरे ब्रेन में फिट कर रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आपके कंप्यूटर हैंग कर जाएंगे, लेकिन शिवानंद का ये हैंग नहीं कर सकता। जिनको भी देखना है आप आइए हमारे कार्यालय में, हमारे पास IAS भी आते हैं, IPS भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं। मैं कुंडली भी, मैं कंप्यूटर खोलता भी नहीं, जब मैं उनको लंग चार्ट बनाता हूं ना, उन्हें आश्चर्य लगता है कि गुरु जी आप तो कंप्यूटर भी नहीं देखे, आपने लंग चार्ट कैसे बना दिया। इसे माँ का आशीर्वाद दर्शकों, और आप सबों का प्यार और स्नेह है। विगत 14 वर्षों से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मेरा डेली TV में लाइव कार्यक्रम आता है, और इस कार्यक्रम को आप प्रत्येक दिन रात में 11 बजे इस चैनल पर भी देख सकते हैं, YouTube पर देख सकते हैं, और कहीं भी दर्शकों किसी को समस्या हो, ऐसा नहीं सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैंने स्पष्ट कर रखा है कि जिन व्यक्ति को भी कुछ हमसे सलाह लेना है, सुबह में 9 से 10 आप हमसे बात करें, मैं निःशुल्क परामर्श दूंगा। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में गरीब है तो मुझसे जहां तक बन पाता है फीस तो छोड़ दीजिए, मैं उन्हें पूजा पाठ विधि से लेकर के रत्न तक देने का मैं क्षमता रखता हूँ। माता रानी ने मुझे बहुत कुछ दिया है आप लोगों के प्यार और स्नेह में। और मैं एक सब अंत में एक सब कहूंगा, सभी से कहूंगा, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जीवन में सफल होना है तो पहला सूत्र अपनाओ ईमानदार बनने का। आप APJ अब्दुल कलाम को देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लो, मोदी जी को देख लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को देख लो, सबों के पीछे में छाप लगी है बहुत बड़ी, वो है ईमानदारी की। यदि जीवन में सफल होना है कि ईमानदार बनने का प्रयास करें। हर इंसान कमाता है, जितना आना है आएगा, जितना जाना है जाएगा, आप कितना करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सब से आज के लिए अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।